प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। इसको लेकर क्या क्या तैयारी की गई है इलेक्शन कमीशन की? सारे बूथ की तैयारी है, वहाँ पर जितने हमारे बूथ है उसमें जो भी वहाँ पर जो अधिकारी चुनाव करवाएंगे उनका सारा हम लोगों ने वो तैयार कर दिया खाका और सारे, और उसके बाद वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं सभी जारी कर दिए गए हैं। स्टूडेंट को भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वेबसाइट पर दे दिया, कैंडिडेट्स को भी दे दिया गया है किस तरह वोटिंग करेंगे या उनके कौन पोलिंग एजेंट का, जैसे पोलिंग एजेंट है उनके लिए उनको कार्ड कहाँ मिलेगा, रिस्पेक्टिव इलेक्शन ऑफिसर उनको जो है कार्ड देंगे, जो कॉलेजेज या फैकल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ इलेक्शन होंगे उसके जो इलेक्शन ऑफिसर हैं वो उनके लिए कार्ड की व्यवस्था करेंगे, जो काउंटिंग सेंटर में जाएंगे कैंडिडेट या उनके रिप्रेजेंटेटिव वो हमारे इलेक्शन ऑफिस से कार्ड कलेक्ट करेंगे। तो हमने सारे जो भी मतलब उससे रिलेटेड जो इंतजाम है वो हम लोग कर लिए, बाकी पुलिस प्रशासन को जो भी उनको भी हर बूथ पर जो पुलिस फोर्सेज रहेंगे या हमारे बैलेट बॉक्सेस को स्पॉट करके काउंटिंग सेंटर्स में जाएंगे सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो सर 3 साल बाद कराया जा रहा है, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं सर इस पर आने को? देखिए ऐसा जो चुनौती पहले भी थी मॉडल उसी तरह का है, बाकी स्टूडेंट्स जो है कुछ कोड वगैरह के वायलेट कर देते हैं उसके लिए, लेकिन स्टूडेंट का इलेक्शन हम लोग बार बार रिमाइंड करते हैं, इलेक्शन ऑफिसर को रिमाइंड करते हैं, लिख देते हैं, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, और उसके अलावा जहाँ तहाँ छिटपुट आपस में थोड़ी बहुत वो अल्टरकेशन हो जाता है, तो इसी तरह की चुनौतियां हैं। और ऐसा कोई मतलब आपस में जैसे कि अभी आपने सुना होगा भाई सांसद साहब ने कहा कल वो कहीं मतलब होता है गर्ल्स हॉस्टल में 6 बजे तक समय उनको मालूम है लेकिन वो 6 बजे ही पहुंचते हैं या 5:50 पहुंचते हैं, तब वो जाएंगे तो बातचीत करने में 1 घंटे लगेंगे, तो 6 बजे डेड लाइन है, उससे पहले जाए तो हम लोग एजुकेट करते रहते हैं थोड़ा समय पर जाए। और जितने भी वुमेन कॉलेजेज है वहां पर उनको जगह दी गई है, लेकिन होता है कि वो हुजूम में जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर 2 स्टूडेंट परमिशेबल है कि एक कैंडिडेट जाए उनके साथ एक आदमी लेकर के जा सकते हैं, इंतजाम लोग कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट है थोड़े थोड़े वायलेशंस हो जाते हैं, कुछ जो मेजर वायलेशंस है उस पर हम लोग तुरंत अमल करते हैं, माइनर है तो उनको फिर बोल करके या हमारे पास अगर कोई कंप्लेन आता है ग्रीवांस सेल में तो उसकी हियरिंग करते हैं। बच्चों ने मारपीट कर ली थी तो उसमें उन्होंने कंप्लेन किया था, उनको बुला के हियरिंग किया तो हियरिंग करके उस तरह हम लोग डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सर हर बार देर काउंटिंग जो है देर रात तक होती है, इस पर क्या संभावना है? नहीं असल है काउंटिंग में क्या होता है कि 2 बजे जो हमारी जो इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद उसको उसकी सीलिंग वगैरह करते करते 3-4 बजे तक वहाँ पहुँच पाता है, फिर उसको अरेंज करने में, और फिर पिछले बार हुआ था कि वो बैलेट को मिक्स किया गया था तो उस वजह से थोड़ी सी, और होता है कि इतने सारे लोग इसमें चाहिए जो कॉलेज में काम करते हैं, फिर वहाँ पर हर टेबल पर 5-6 लोग होते हैं, कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मतलब कभी तो पिछले बार कम को 2-3 बज गया था, उसके पहले भी उतना ही बज गया था, तो हम लोग 4-5 बजे शुरू करते हैं लेकिन तब भी उसको अरेंज करते हुए खोलते हुए वो थोड़ा टाइम लग जाता है, कोशिश हम लोग इस बार कर रहे हैं 4 बजे शुरू कर दें। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।